नमस्कार दोस्तों, मेरे तेज पासवान मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा जो है नॉलेजबल है। दोस्तों, इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देने वाला हूँ। एक भाई है सम्राट की टेक, जिनका जो है चैनल डिलीट हो चुका है। और दोस्तों, वो क्यों हुआ है चैनल डिलीट, वो सभी इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा और खुद वो भाई भी बताएगा। और जो गलती हुई है दोस्तों, वो हम लोगों के लिए बिल्कुल जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम में से कई सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे सब्सक्राइबर, ऐसे यूट्यूबर जिनके भी चैनल जो है ना अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो इसलिए दोस्तों, जानना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनसे अगर मोनेटाइजेशन से पहले आपकी अगर कोई गलती हो गई एक ऐसी जिससे कि आपको बाद में आपका चैनल मोनेटाइज, तो छोड़िए डिलीट ही हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हो गया इन भाई के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में ये खुद ही भाई बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बंदा है ना सम्राट की टेक, ये मेरे से कई दिनों से बातचीत करते हैं कॉल के थ्रू में ऐसे, और उसके बाद जो है एकदम रन कर रहा था इसका जो है चैनल, एकदम अच्छा ग्रो हो रहा था, हर वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ थे। और उनके बाद जो है इनका चैनल डिलीट हुआ है। और आप यकीन मानिए, इनका जो क्राइटेरिया जो यूट्यूब की तरफ से है, जो 4000 पब्लिक वॉच टाइम और मतलब 1K जो है सब्सक्राइबर, इससे कहीं ज़्यादा इनका ये सभी चीज़ें कंप्लीट हो चुका था। लेकिन दोस्तों, उनके बाद जो है दो स्ट्राइक आने की वजह से जो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर नहीं सकते थे, और इसी कड़ी के दौरान उन्होंने जो है कुछ वीडियोज़ भी अपलोड किए हैं। तो अब क्या गलती हुई है मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये भाई खुद ही बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो भाई, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ें हम लोगों को जानना और समझना, है ना। क्योंकि कई भाई ऐसे हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ गलतियां कर रहे हैं कि उनको पता भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे साथ कभी भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, मेरा नाम राज आर्यन है और मेरा एक यूट्यूब चैनल था जिसका नाम था सम्राट की टेक, वो एक्चुअली डिलीट हो गया है। क्योंकि उस चैनल पे मेरे 2 स्ट्राइक आया हुआ था, और स्ट्राइक इसलिए आया हुआ था क्योंकि जिस टाइम IPL लाइव चल रहा था, तो मैंने उस चैनल पे उस वीडियोज पे 5 या 6 सेकंड IPL प्ले करके दिखा दिया, इसलिए 2 स्ट्राइक मेरे चैनल पे आ चुका था। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि 3 स्ट्राइक आने के बाद ही कोई सा भी चैनल डिलीट होता है, लेकिन पता नहीं क्यों यार मेरे चैनल पे 2 स्ट्राइक पे ही चैनल डिलीट हो गया। मेरे उस चैनल पे सब्सक्राइबर की बात करें तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर 5K+ कंप्लीट हो गया था, और वॉच टाइम की बात करें तो वॉच टाइम भी 5K+ कंप्लीट हो गया था। मोनेटाइजेशन भी हो जाता, लेकिन 2 स्ट्राइक जो लगा हुआ था वो स्ट्राइक एक्चुअली जनवरी में रिमूव हुआ था, इसलिए मोनेटाइजेशन मैंने कंप्लीट नहीं करा था, बस उस स्ट्राइक के हटने का वेट कर रहा था। लेकिन इतने ही में मेरे चैनल डिलीट हो गया। तो दोस्तों, मैंने फिर से एक नया चैनल स्टार्ट किया है, जो कि उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग मुझे प्लीज सपोर्ट करें। और पुराने चैनल की बात करें तो जो लोग मुझे उस चैनल पे देखे होंगे, उन लोगों को पता ही होगा कि मेरे उस चैनल पे कितने वीडियोज अपलोड थे। वीडियोज अपलोड के बारे में बात करें तो उस चैनल पे मैंने 250+ वीडियोज अपलोड कर चुका था। दोस्तों, अगर आप भी एक नया यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको सबसे पहले एक कैटेगरी डिसाइड करना होगा कि आप किस कैटेगरी से रिलेटेड वीडियोज बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपको डेली बेसिस पे वीडियोज अपलोड करना होगा, क्योंकि अगर आप रोज वीडियोज अपलोड करते हो तो आपका चैनल रैंकिंग में होता है और आपका चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो होने का चांस बना रहता है। ये सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा कि मेरे इस नए चैनल का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको बता दें कि इस नया चैनल मैंने उस पुराने चैनल के नाम पे ही बनाया है, सम्राट की टेक। तो आप लोग प्लीज मुझे इस चैनल पे सपोर्ट करें। तो दोस्तों, इस भाई का जो है चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस भाई को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि जो पहले वाला जो चैनल था इनका, उसी के ही नाम से इन्होंने अपने अभी नया चैनल बनाया हुआ है, तो इनको वहाँ पे जा करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी की सपोर्ट करेंगे तो आपकी भी कोई बाद में भविष्य में आपके साथ कुछ ऐसा हो भी जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन भाई वक्त का कुछ पता नहीं है, हो भी जाता है तो फिर आपकी भी कोई सपोर्ट करेंगे, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, जो आगे चल के आपसे ऐसे नहीं होगी गलतियाँ, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।